एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद में स्थित गदरहेड़ी गांव पड़ा। लगभग 2700 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान भानु प्रताप हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 436 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 110 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 65 विद्युत 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 60 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 44 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, 8 सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में चक्रोड, स्कूल की बाउंड्री, बारात घर, शमशान घाट, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान गदरेड़ी भानु प्रताप से ब्लॉक मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर, हमारा ब्लॉक मुजफ्फराबाद पड़ता है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। मैं सीसी डलवाई लगभग 800 मीटर टाइल से लगवाई, स्कूल में मॉडल शौचालय बनवाया है, चैनल डलवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, खंजे डलवाए हैं और नाला निर्माण कराया है, सड़कों पर मनरेगा के द्वारा खंजा भी लगाया है, मिट्टी डलवाई है चौरोड़ों में, ऐसे बहुत विकास कार्य कराए हैं अपने समय में। गाँव छोटा है, निधि कम है, निधि बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसलिए विकास कार्य कुछ कम होता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, करेंगे, सभी के सहयोग से करेंगे, कर रहे हैं। और हमारी अगली डिमांड जो है वो शमशान घाट की है, बारात घर की है, पंचायत घर की है, और सफाई का विशेष ध्यान रहा है हमारा अपने गाँव में, सौर ऊर्जा की लाइट भी लगवाई हमने, तो हैंडपम्प रिबोर कराए, काफ़ी मरम्मत भी कराई है, नए भी लगवाए हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, सभी कार्य नहीं गिनाए जा सकते। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि हमारा जैसे छोटे छोटे गांव हैं जो लगभग 1500 वोट के आसपास के गांव हैं, उनके कुछ निधि, छोटे गांव हैं, हमारा गांव भी बहुत छोटा गांव है, ऐसे गांवों के लिए कुछ विशेष ग्रांट अलग से दी जाए तो विकास कार्य कुछ ज़्यादा होगा। तो एक मैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय प्रधान संगठन का मुजफ्फरबाद में, तो मैं अध्यक्ष होने के नाते भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया हुआ है सरकार ने, उसमें पैसा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में जाता है, और लाभार्थी अकाउंट में जाने के बाद शौचालय पूरा हो गया, बन गया, उसके फोटो अपलोड हो गया, MIS होगी, उसके बाद भी यदि कोई उसमें उसे कोई तोड़ लेता है लाभार्थी, गड्ढा बंद कर देता है, तो उसमें प्रधान को चोर बताया जाता है। प्रधान ने जब एक बार फोटो डाउनलोड करा दी, उसके अपलोड करा दिए, सारे MIS हो गए, सब ने चेकिंग कर ली, संस्तुति कर दी, एडियो पंचायत ने कर दी, जिले वालों ने चेकिंग कर ली, तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी बनती है प्रधान की। तो हम अपने सभी प्रधान साथियों से कहना चाहेंगे कि संगठन में सब कुछ है, संगठन में शक्ति है, पावर है, इसे यदि हम समझें और एक साथ मिलकर सब लोग काम करें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जितेंद्र सिंह, वो बड़े अच्छे प्रयास लगे हैं, बीच में थोड़ा सा संगठन को झटका लगा है, नहीं तो बहुत ही अच्छे तरीके से संगठन को चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई है। तो हम प्रधान साथियों को कहते हैं कि वो संगठन का सहयोग करें, संगठन को मजबूत करें और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें, और वो सब हम मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं, अकेला कोई नहीं लड़ सकता, संगठन के साथ ही लड़ सकते हैं।